हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हमारी इकोनॉमी की क्लास 19 है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर। तो इसके अंदर आज हम देखेंगे प्लान्स एंड गुड गोल्स, यानी योजनाएं और लक्ष्य, इसका परिचय देखेंगे। तो इसका परिचय है, भारत ने 1951 में तीव्र संतुलित और समान विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। यानी 1951 के अंदर तीव्र और संतुलित, साथ ही साथ समान विकास के लिए, किस किस के लिए? तीव्र संतुलित और समान विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। सभी योजनाओं के कुछ सामान्य और योजना विशिष्ट लक्ष्य थे। जितने भी योजनाएं थी उनके कुछ सामान्य और कुछ के कुछ विशिष्ट लक्ष्य थे। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य, जनरल गोल्स की बात करें तो वह निम्नलिखित थे। यानी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी जो सामान्य लक्ष्य, या जिन्हें हम जनरल गोल्स कहे, तो उनकी तो वह निम्नलिखित थे, जिसमें सबसे पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, तीसरा था सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, चौथा था सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। तो अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थी। ये जो आर्थिक समृद्धि थी ये प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थी, जो शुरुआती उद्देश्य रखे गए थे, जो पहल प्राथमिक उद्देश्य उन्हीं में से एक थी आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ से तात्पर्य या आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य था भारत के सभी क्षेत्र, वर्ग और प्रदेशों का आर्थिक विकास। यानी आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य बस यही था कि जो भारत के क्षेत्र, वर्ग और प्रदेश है उनका आर्थिक विकास करना। ऐसा माना गया कि जब समृद्धि सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंचेगी तो अन्य उद्देश्य जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, असमानता में कमी, मानव पूंजी निर्माण आदि के लक्ष्य अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो ये जो आर्थिक समृद्धि थी इसमें ये माना गया था कि सभी वर्गों और क्षेत्रों तक ये जो समृद्धि ये पहुँचेगी तो अपने आप ही गरीबी उन्मूलन, रोजगार संरचन, असमानता में कमी, मानव पूंजी निर्माण, ये सारे लक्ष्य अपने आप ही स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन था, ये चाहे कृषि हो या उद्योग, आधुनिकीकरण के तहत उत्पादन से जुड़ी समस्त प्रौद्योगिकी में सुधार करना था। इसमें चाहे कृषि हो या उद्योग, इनकी जो आधुनिकीकरण के तहत उत्पादन से जुड़ी इनकी जितनी भी समस्याएं थी वह सभी प्रौद्योगिकी में सुधार करना था, उन सभी में प्रौद्योगिकी में सुधार करना था। आधुनिकीकरण के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना था ताकि भारत में नवाचार को बल मिल सके। आधुनिकीकरण सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि समस्त सामाजिक मूल्यों, सामाजिक प्रयासों और सामाजिक चिंतन का आधुनिकीकरण करना था ताकि समानता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जा सके। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ उत्पादन के क्षेत्रों तक ही ये सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जो जितने भी सामाजिक मूल्य थे या सामाजिक प्रयास और सामाजिक चिंतन, इनका भी आधुनिकीकरण करना था।
इससे क्या होगा कि समानता पर आधारित जो लोकतांत्रिक समाज है उसकी स्थापना की जा सकेगी। आत्मनिर्भरता जो तीसरा है वह है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश के संसाधनों पर निर्भर होना, न कि अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होना। चूंकि विदेशी मुद्रा कम थी इसलिए महत्वपूर्ण था कि भारत स्वयं के माल का उत्पादन करे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद करने और बुनियादी उद्योगों को पोषित करने वाले नेहरू मानलोविस मॉडल का मुख्य स्तंभ आत्मनिर्भरता ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद करने का जो बुनियादी उद्योगों या फिर उनको पोषित करने वाले जो नेहरू मानलोविस मॉडल था उसका मुख्य जो स्तंभ था वह आत्मनिर्भरता ही थी। 1990 के दशक में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे LPG कहते हैं वह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत रहा। इसमें आत्मनिर्भरता ने 90 के दशक में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को चुना। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO का संस्थापक सदस्य बन गया भारत। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक कौन बन गया था भारत? तो ये है आत्मनिर्भरता। तो दरअसल कोई भी देश कभी भी संपूर्ण आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। जो कोई भी देश है वो पूरी तरह से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि देश के पास संतुलित विकास के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं जो कि किसी भी देश में कभी नहीं हो सकता। जो एक्चुअल में जो आत्मनिर्भरता का अर्थ है वह देश के पास संतुलित विभाजन के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं जो कि किसी भी देश के पास में नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भरता एक व्यवहारिक साथ ही आकांक्षात्मक लक्ष्य था। व्यवहारिक और आकांक्षात्मक लक्ष्य था। इसके बाद में आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समावेशी और न्यायसंगत विकास, जहां असमानताएं गतिशील नहीं है और विकास के लाभ सभी विभाजनों जैसे ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, जाति विभाजन और अंतरक्षेत्रीय विभाजन को जोड़ते हैं। ये सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे इसी टॉपिक के और इसी चैप्टर के पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।